So guys, आज मैं लेकर Poco F3 GT और ये मोबाइल 30,000 के अंडर आता है, तो वो 30,000 में काफी ज्यादा मोबाइल्स आ गए हैं आजकल, मतलब OnePlus Nord 2, Realme X7, उसके बाद से IQ का भी मोबाइल है। तो 30,000 में आपको ये लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इस वीडियो में मैं बताता हूँ डिटेल में एकदम। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते गाइस, आप देख रहे हैं टेकोसमोस, मैं हूँ फरहान। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बॉडी के बारे में। तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास बैक मिलता है, फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास मिलता है, कुछ होगा नहीं गाइस। और साइड में आपको एल्युमिनियम का फ्रेम है, जैसे हम लोग को अभी ओप्पो रेनो 6 में देखने को मिला था, तो बैक मुझे काफी बढ़िया लगा। डिजाइन की बात करूं मैं, अगर बैक में गेमिंग लुक दिया है, फाइटिंग लिखा है एकदम। और ये रेडमी है, ये एक्चुअली रेडमी K40 है, जो पोको F3 GT भी है, तो दोनों एकदम हमशकल है, बट ठीक है, ये इंडिया में पोको F3 GT के नाम से लॉन्च हुआ है, बाहर रेडमी K40, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम है। तो गेमिंग सेंट्रिक रख के मोबाइल बनाया है, ऊपर में आपको ट्रिगर भी मिलते हैं, इसको आपको ऐसे करना होता है, काफी क्लिकी सा फील है, अच्छा है, मजा आता है, आप इसको ऐसे आराम से खेल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसमें फ्लैश देखने को मिलता है, जो कि फ्लैश के शक्ल में है, वो भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पर लाइट्स भी है जो कि आपको चार्जिंग के लिए या नोटिफिकेशन के लिए ऑन होती है, मतलब सही है। बॉडी का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग सा है। बट हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों को ये डिजाइन नहीं पसंद आया है, लाइक कुछ लोग सिंपल सा मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इतना ज्यादा एग्रेसिव डिजाइन नहीं पसंद करते हैं। ये भी बताना चाहूंगा, अगर आपको एग्रेसिव लुक चाहिए तो आप जा सकते हो इसके लिए, बट अगर आपको नॉट की तरह या आईक्यू की तरह या रियलमी X7 की तरह भी आपको डिजाइन चाहिए तो आप उधर भी जा सकते हो, उधर की भी चीजें काफी मस्त है, मैं बताता हूँ अभी। सो बात कर ली हमने इसके बॉडी की, अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको इसमें 6.67 इंचेस का मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट काफी अच्छा है, मतलब OnePlus Nord 2 में आपको 90 हर्ट्ज का मिला था, इसमें 120 है, गेमिंग का मोबाइल है इसलिए इसमें अच्छा दिया गया है। और उसके बाद आपको इसमें HDR10+ का भी सपोर्ट है, मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स पे एक यही मोबाइल है जो आपको HDR में कंटेंट प्ले करने को देगा, बाकी और कोई मोबाइल 30,000 के रेंज में नहीं प्ले कर पाएगा। बट ठीक है, एक डिफरेंस है, अभी मैं और ही बताता हूँ। आउटडोर में इसका डिस्प्ले जो है काफी ज्यादा विजिबल है, ठीक है, 500 निट्स का इसमें ब्राइटनेस है पीक। और उसके बाद बात करता हूँ, इसमें आपको IP53 की रेटिंग भी है, डस्ट एंड स्प्लैश रेसिस्टेंट है, ठीक है, आजकल काफी ज्यादा मॉडल्स में आ गया है। गाइस एक और चीज बात करना चाहता हूँ कि इसमें आपको वन हैंड यूजेज उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, मतलब OnePlus Nord 2 मैंने चलाया था, वन हैंड यूजेज बहुत बढ़िया था, इसमें उतना अच्छा से ग्रिप आप नहीं पकड़ पाते हो, मतलब इसका जो विड्थ है वो थोड़ा बड़ा है, तो वन हैंड यूजेज के लिए उतना सही नहीं है, टू हैंड यूजेज सीख लो अगर लेना है तो। और मीडिया आप जब कंज्यूम करोगे इसके डिस्प्ले पे काफी अच्छा चलते हैं, मतलब कलर्स एकदम पंची, एकदम एक्यूरेट आते हैं, बढ़िया लगे मेरे को। बस एक और मुझे कॉन लगा इसमें कि आपको साइड में यहाँ पर फिंगरप्रिंट मिलता है, हालांकि फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी फास्ट है, बट हाँ इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, और हाँ गाइस एमोलेड है, सुपर एमोलेड नहीं है, थोड़ा सा ये भी पंगा है, तो एमोलेड डिस्प्ले है, तो एमोलेड डिस्प्ले में फ्रंट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होना चाहिए था, लाइक होना चाहिए था गाइस, एमोलेड डिस्प्ले है तो फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले ही होता है, साइड में नहीं देते हैं, हालांकि साइड में भी काफी गाइस मेरे हाथ में अभी थोड़ा सा पसीना लग गया है और ये खुल नहीं रहा है, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा पसीना लग गया और ये नहीं खुल रहा है। ओके सो ये मैंने अभी टेस्ट कर लिया कोई नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है गाइस। सो ठीक है, मैंने पासवर्ड से खोला है इसको। और हाँ गाइस मैं बात करना चाहूंगा कि इसके जो हैप्टिक्स हैं वो भी अच्छे हैं, बढ़िया लगे एकदम हैप्टिक्स, OnePlus Nord 2 और IQ जैसे ही हैं इसमें हैप्टिक्स, तगड़े हैं। और हाँ गाइस इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, तो कहीं कहीं जगह पे MIUI जो है उतना अच्छे से नहीं चला पा रहा था, कहीं पर ग्लिटरिंग का मुझे प्रॉब्लम लगा थोड़ा कोई कोई जगह पे, तो MIUI जो है लाइक बग्स हैं गाइस, थोड़ा ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए MIUI को, और मुझे लगता है कि अपडेट्स के बाद इसमें सही हो जाएगा, कोई इशू शायद नहीं रहेगा फिर। तो गाइस ये तो हो गई सारी बॉडी डिस्प्ले ये सब की बात, अब आते हैं जो इस मोबाइल का मेन यूज है, परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें डायमेंसिटी का 1200 है, 30,000 के रेंज में ये काफी सारे मोबाइल्स में आ रहा है, मतलब नॉट 2 में भी है, तो डायमेंसिटी 1200 काफी अच्छा एक प्रोसेसर है, लेटेस्ट भी है, बढ़िया लगा मेरे को। कैसे आप गेमिंग करते हो तो ये जो ट्रिगर्स है दोनों काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, मतलब आप बढ़िया लेवल की गेमिंग कर पाओगे। और बात करूं मैं अगर BGMI की गाइस PUBG, तो उसमें आपको HDR में अल्ट्रा मिलता है, बट स्मूथ में आपको 90 FPS का भी सपोर्ट है, वो मुझे काफी ऑसम लगा, मतलब पहले जो है 90 FPS नहीं था, स्मूथ में एक्सट्रीम था, बट अब जो है 90 FPS भी आ गया, तो काफी कूल लगा मेरे को। बट एक चीज गाइस, एक चीज, जब आप गेमिंग करते हो ये
हीट करता है गाइस, बहुत ज्यादा हीट करता है। ओवर हीटिंग मैं कहूंगा थोड़ा इशू है इसमें। और चार्जिंग के बाद गाइस मैं अभी चार्जिंग भी कर रहा था तो भी ये काफी ज्यादा हीट कर रहा था, पता नहीं थोड़ा हीटिंग का इसमें इशू है। गाइस ये तो होगी सारी BGMI परफॉर्मेंस ये सब की बात। अब आते हैं इसके कैमरे पे गाइस, ये जो बड़े बड़े तीन कैमरे हैं उनकी बात करते हैं। तो जो मेन कैमरा है वो आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का, और उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। तो ये 2 मेगापिक्सल जो है मेन कैमरा जब पोर्ट्रेट लेता है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। सो गाइस जल्दी से मैं अभी आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ। कैमरा मुझे उतना खास नहीं लगा है गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, फोटोज उतनी क्लियर नहीं आती है जितनी OnePlus Nord 2 में आती है या IQ में। IQ का मैं बताना चाहता हूँ, उसका HDR बहुत ऑसम लगा मुझे। और गाइस जल्दी से अभी एक फोटो लेता हूँ यहाँ पे, और ये रही फोटो, और एक पोर्ट्रेट भी लेता हूँ जल्दी से। सो गाइस एज डिटेक्शन की अगर बात करूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे चश्मे के पास, उतना अच्छा नहीं लगा है मुझे, थोड़ा सा ब्लर आउट ये कर दिया है। और अगर मैं नॉर्मल फोटो की बात करूँ तो डिटेलिंग गाइस डिटेलिंग कम है इसमें, लिटरली बता रहा हूँ डिटेलिंग उतना अच्छे से नहीं आता है। कैमरे के मामले में ये लैग जरूर किया है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और शॉट दिखा देता हूँ। उतने अच्छे फोटोज नहीं आए हैं, नॉर्मल डे लाइट में ये डिसेंट फोटोज लेता है, मतलब डिसेंट इसका कैमरा है, उतना सही नहीं लगा मुझे। तो अगर आप इसको कैमरे की वजह से ले रहे हो तो कैमरे की वजह से मैं कहूँगा आप इसको नहीं लो, ठीक है। सो गाइस अब आते हैं इसके बैटरी की तरफ। अगर बैटरी होगी तो आप गेम खेल पाओगे, फोटोज ले पाओगे, आप सब कुछ कर पाओगे। सो बात कर लेते हैं इसके बैटरी में कितना जान है। तो बैटरी इसमें आपको मिलती है 5065 mAh, मतलब 5000 के अराउंड इसकी बैटरी की पावर है। और चार्जिंग के लिए आपको इसमें 67 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। गाइस 67 वॉट का फास्ट चार्जर है इसमें, OnePlus Nord 2 में 65 वॉट का फास्ट चार्जर है। तो अगर मैं ये आपको बताऊं कि ये जो है 67 के होने के बावजूद भी फास्ट चार्जिंग इसका 50 मिनट्स लेता है, 50 से ज्यादा लेता है थोड़ा, 55 समथिंग, और OnePlus Nord 2 आधे घंटे में फुल चार्ज। जी हाँ गाइस फुल चार्ज, और ये 67 वॉट के होने के बावजूद भी फास्ट चार्ज नहीं कर पाता है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है नहीं पता मुझे, बट स्टिल आपको इसमें फुल चार्ज करने के लिए एक घंटा अप्रॉक्स लग जाता है। और बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप जिस काम के लिए मोबाइल ये बना है समझ गए उसको अगर यूज करते हो, मतलब अगर आप गेमिंग करते हो हैवी, तो एक दिन में आपको दोबारा इसको चार्ज करना पड़ जाएगा गाइस सीरियसली। तो वन डे यूज अगर नॉर्मल यूज करते हो तो चल जाएगा, बट अगर आप गेमिंग करते हो हैवी तो शायद नहीं चल पाए। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने इसको 100% चार्ज किया, और उसके बाद जब मैंने इसको चार्जिंग के बाद गेम खेला एक घंटे, तो इसमें बैटरी जो है 25% चली गई थी। अब वो पता नहीं इतनी जल्दी हवा में कैसे उड़ गई मुझे नहीं पता, बट बहुत जल्दी खत्म हुई थी। सो बैटरी बैकअप भी आपको इसमें डिसेंट ही मिलती है, उतनी ज्यादा अच्छी कुछ नहीं है। और हाँ गाइस एक और चीज, अगर आप इसको रात भर आइडल छोड़ दो तो रात में ये मतलब 5-6% बैटरी ये अपने आप रात भर में खत्म हो जाती है, पता नहीं रात भर क्या करता है मुझे नहीं पता, बट 5-6% बैटरी उड़ा देता है अपने आप। और हाँ गाइस मैं अगर बात करता हूँ इसके स्पीकर्स के बारे में, तो इसमें आपको स्पीकर्स स्टीरियो मिलता है दोनों तरफ है, और मैं जल्दी से आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुना देता हूँ कितना लाउड है ये। तो मैंने फुल वॉल्यूम किया था और आवाज मुझे काफी सही लगी, मतलब खाली रूम है पूरा और अच्छी आवाज आ रही थी, मतलब लाउड है काफी, तो आपको स्पीकर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो बात कर ली हमने इसके सारे प्रोस कॉन्स सब के बारे में, फीचर्स क्या क्या है सब बता दिया। अब बात करते हैं कि 27,000 में ये सही डील है 3-4 मोबाइल के आने के बाद ये आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मोबाइल मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा गाइस इस प्राइस रेंज में, जबकि OnePlus Nord 2 आ चुका है, IQ आ चुका है, और IQ में आपको Snapdragon 870 मिलता है, तो गाइस Snapdragon ज्यादा पावर एफिशिएंट है तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। ये मुझे उतना ज्यादा सही नहीं लगा, मतलब गेमिंग सेंट्रिक है ठीक है, बट हीटिंग भी करता है, बैटरी भी उतनी ज्यादा जल्दी चार्ज नहीं होती है और खत्म भी बहुत जल्दी होती है। और कैमरा भी आप कंसीडर अगर करो तो कैमरा भी उतना ज्यादा बेस्ट नहीं है, मतलब मैंने OnePlus Nord 2 भी चलाया है और उसका कैमरा काफी अच्छा लगा मुझे, पोर्ट्रेट और HDR शॉट्स बहुत धांसू आते हैं। और मैंने जब
इसका चेक किया तो उतना ज्यादा मुझे कैमरा अच्छा नहीं लगा इसका, मतलब जो फोटोज थे उतने ज्यादा क्लियर नहीं थे, पंची नहीं थे, शार्पनेस नहीं थी, कलर सैचुरेशन अच्छा था, डिटेल्स उतना ज्यादा नहीं आए थे, कैप्चर नहीं किए थे। तो अगर आप एकदम पूरे श्योर शॉट गेमर हो और गेमिंग फोन लेना चाहते हो 27,000 में, तो मैं कहूंगा ये अच्छा डील है। और इसके अलावा और कोई मोबाइल गेमिंग ट्रिगर के साथ आता भी नहीं है, तो आप अगर गेमर हो और लेना चाहते हो गेमिंग फोन तो बेस्ट है। बट हाँ, अगर आप एक पूरा ओवरऑल फोन लेना चाहते हो जिसका डिजाइन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी सब अच्छा हो, मतलब पूरा ओवरऑल ये धांसू एक फोन लेना चाहते हो, तो इसको नहीं लेके आप OnePlus Nord 2, IQ7 ले सकते हो। ये मुझे 27,000 के अंदर बेस्ट फोन तो नहीं लगा है। और ये था मेरा इस मोबाइल का रिव्यू। अगर आपको मोबाइल लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट कर सकते हो OnePlus Nord 2 और मोबाइल्स जो 30,000 में बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं, वो भी मैं नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ, वो भी आप चेकआउट कर लो। सो गाइस, इतना था मेरी तरफ से रिव्यू Poco F3 GT का, और मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।